बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। दिस इज योर बायोलॉजी क्लास एंड आई एम योर टीचर सरुमैर। स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। ये पिछले ही टॉपिक की कड़ी है। पिछले टॉपिक में हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, 3 किंगडम्स क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और 4 किंगडम्स क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। लेकिन हिस्ट्री वहाँ ख़त्म नहीं होती। 4 किंगडम्स क्लासिफिकेशन के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आई। एक साइंटिस्ट गुजरे, रॉबर्ट वेटिकर। 4 किंगडम्स क्लासिफिकेशन के बाद रॉबर्ट वेटिकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को थॉरोली दोबारा तमाम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया और फिर उन्होंने तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। सो रॉबर्ट विटेकर की इस क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने जब अपने 5 किंगडम्स बनाने थे तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करा दो बुनियादों पे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने डिवाइड किया। पहली बेसिस जिसके हिसाब से इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था वो थी टाइप्स एंड नंबर ऑफ सेल्स, यानी ऑर्गेनिज्म में कौन से किस्म का सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। और दूसरी बात क्या थी इसमें कि जी नंबर ऑफ सेल्स, क्या ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। सो एक तो इस बेस पर इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया कि जी उनके अंदर कौन से किस्म का और कितने सेल्स मौजूद है। और जो दूसरी बेस थी जिस पर इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इन दो बेसिस पर इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना शुरू किया। सो जब इन्होंने टाइप्स और नंबर ऑफ सेल्स पर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया तो इन्हें 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स नजर आए। एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल होता है उनके पास, और वो भी सेल कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, ये दो थे जी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। फिर जो दूसरे किस्म के ऑर्गेनिजम्स जिन्हें फाइंड आउट हुए वो थे जी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। थे वो बैक्टीरिया की तरह यूनिसेलुलर, एक ही सेल वाले, बट उनके अंदर जो एक सेल था वो यूकैरियोटिक सेल था, यानी प्रॉपर न्यूक्लियस वाला यूकैरियोटिक सेल। इस कैटेगरी में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, सारे प्रोटोजोअन्स, एमीबा, यूग्लेना, पैरामेशियम, वो सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे। और तीसरे किस्म के सेल्स के हिसाब से जो तीसरी कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स थे वो थे जी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, यानी कि उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं और सारे सेल्स यूकैरियोटिक हैं। सो टाइप्स और नंबर ऑफ सेल्स के अतबार से इन्होंने देखा कि 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, दूसरे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और तीसरे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक में आप एग्जाम्पल जहन में रख लें, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, ये दोनों यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक सेल होता है इनमें। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में आप जहन में रख लें प्रोटोजोअन्स, एल्गीस, इनमें एक ही सेल होता है और यूकैरियोटिक होते हैं। कुछ एल्गीस मल्टी सेलुलर भी होते हैं। और तीसरी कैटेगरी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक थी, इनके अंदर जो है फंगस भी थे, प्लांट्स भी थे, मल्टी सेलुलर एल्गीस भी थी और एनिमल्स भी थे। यहाँ एक बात नोट करिएगा, कोई भी ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स हो। सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, दुनिया में जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे आप मल्टी सेलुलर एल्गी की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें या फंगस की बात करें, इन सब में यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल वाले सिर्फ यूनिसेलुलर ही हैं, और कौन है वो, एक बैक्टीरिया, दूसरा सियानोबैक्टीरिया, बस। तो टाइप्स एंड नंबर ऑफ सेल्स के अतबार से रॉबर्ट विटिकर ने ये 3 कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स फाइंड आउट कर लिए। अब उन्होंने दूसरी बेसिस पर रिसर्च की, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने का क्या मामला है जी, फूड किस तरह हासिल करते हैं।
सो उसमें भी इन्होंने तीन कैटेगरी पाई। पहली कैटेगरी थी ऑटोट्रॉप्स की, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपने जिस्म के अंदर खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉप्स। मिसाल के तौर पे एल्गीज ऑटोट्रॉप होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉप होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी ऑटोट्रॉप हैं, जैसे आपको बताया मैंने यूनिसेलुलर एल्गीज जो हैं वो भी ऑटोट्रॉप हुई। इसी तरह मूड ऑफ न्यूट्रिशन में जो उन्होंने दूसरी कैटेगरी पाई वो थी जी एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप का मतलब होता है कि खाना जिस्म के अंदर नहीं बन सकता, एनवायरमेंट से हासिल करते हैं, ये तो हो जाते हैं हेटरोट्रॉप। और एब्जॉर्प्टिव का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, उनको तोड़ते हैं और फिर उसको खाते हैं, उसमें से जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये उन सिंपल मॉलिक्यूल्स को हासिल कर लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया, फंगस, ये होते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप मतलब बाहर से खाना खा रहे हैं, इनके सेल या इनकी बॉडी के अंदर खाना नहीं बन रहा, बट एब्जॉर्प्टिव का मतलब होता है कि ये पहले अपने जिस्म से बाहर, अपने सेल से बाहर उस फूड को डिकम्पोज कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। और जब फूड सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये उस सिंपल मॉलिक्यूल्स को इंजेस्ट कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप। जैसे मिसाल के तौर पे फंगस जो होता है, फंगस क्या करता है, अपनी बॉडी के बाहर जो फूड होता है एंजाइम्स की मदद से उसे तोड़ के उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और जब सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो वो उन सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम इनको कह रहे होते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप। और मूड ऑफ न्यूट्रिशन के अतबार से रॉबर्ट विटिगर ने जो थर्ड कैटेगरी पाई वो थी जी इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप। अब ये भी हेटरोट्रॉप है, ये भी खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, एनवायरमेंट से हासिल करते हैं, लेकिन इनका तरीका कार जरा डिफरेंट होता है। ये अपने एनवायरमेंट से फूड को पहले खा लेते हैं और फिर उस फूड को तोड़कर सिंपल करने का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है, वो इनके जिस्म के अंदर होता है। इस कैटेगरी में एनिमल्स आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, ह्यूमंस वगैरह, हम इस कैटेगरी में होते हैं। हम क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं और बॉडी को, यानी बॉडी के अंदर ले आते हैं, खा जाते हैं हम फूड को, फिर उस फूड में से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। ये फर्क है एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव में। देखा जाए तो एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव दोनों हेटरोट्रॉप हैं, बट तरीका अलग है। एब्जॉर्प्टिव जो है वो पहले फूड को ब्रेक कर देते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल्स को फिर वो खाते हैं, और इंजेस्टिव पहले खा लेते हैं और जो सिंपल मॉलिक्यूल करने का उनका प्रोसीजर है वो इनके जिस्म के अंदर होता है। सो ये कुछ कैटेगरीज, इस बेसिस पर उसने ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर लिया। टाइप्स और नंबर ऑफ सेल्स के तबार से उसने पाया तीन किस्म के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। और मूड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से उसने पाया तीन किस्म के ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉप, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप और इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप। अब उसने इन ऑर्गेनिजम्स को, ये जो छह कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स थे, इनको इसने पांच किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। रॉबर्ट विटिगर ने पांच किंगडम्स बनाए और उन पांच किंगडम्स में इन सारे ऑर्गेनिजम्स को उसने क्लासिफाई किया। कौन कौन से पांच किंगडम बनाए जी, फाइव किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला किंगडम था किंगडम मुनेरा। इस किंगडम में रॉबर्ट विटिगर ने सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक डाल दिए। पहले किंगडम्स के नाम देख लेते हैं, एक बनाया उसने किंगडम मुनेरा, एक बनाया किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम बनाया किंगडम फंजाय, चौथा था किंगडम प्लांटी और आखिरी किंगडम था किंगडम एनिमेलिया। ये पांच किंगडम्स उसने बना दिए जी। अब उन ऑर्गेनिजम्स को इस किंगडम्स में उसने क्लासिफाई किया। कैसे किया जी, किंगडम मुनेरा में इसने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई कर दिए। तो जो पहली कैटेगरी थी ना यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक ही सेल है और वो सेल प्रोकैरियोटिक है, वो सारे किंगडम मुनेरा में शामिल हो गए। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वो सब जो है अब किंगडम मुनेरा में क्लासिफाई हो गए। फिर दूसरा किंगडम जो उसने बनाया किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें इसने यूनिसेलुलर
लेकिन कौन से वाले? यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके सेल, जिनके पास एक ही सेल है, और सेल कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल। वो सारे ऑर्गेनिजम्स इसने किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिए। यहां जो है वो एल्गीज भी आ गई, यहां जो है वो प्रोटोजोअन्स भी आ गए। ठीक है, प्रोटोजोअन्स आपको बताया भाई प्रीवियस क्लास के अंदर, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होता है, सेल वॉल नहीं होती। यूनिसेलुलर है ना, यूकैरियोटिक है, लिहाजा इस किंगडम में आ गए। और एल्गीज में जो यूनिसेलुलर एल्गीज थी ना, वो आई है इसमें। एल्गीज में दो कैटेगरीज हो जाएंगी, एल्गीज यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो जो यूनिसेलुलर एल्गीज थी वो इस किंगडम में रह गई। यूनिसेलुलर थी, यूकैरियोटिक सेल्स का, लिहाजा वो इसी किंगडम में आ रही है। और जो मल्टीसेलुलर एल्गीज थी वो चौथे किंगडम में जाएंगी प्लांट्स के साथ। ठीक, तो ये इसका दूसरा किंगडम था, किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम में उसने अपने जो दूसरे किस्म के ऑर्गेनिज्म थे, एक सेल वाले, यूकैरियोटिक सेल वाले, वो वाले ऑर्गेनिज्म उसने इस किंगडम में डाल दिए। और जो थर्ड कैटेगरी थी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक वाली, उसको उसने न्यूट्रिशन के हिसाब से इन तीन किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। नंबर और टाइप ऑफ सेल्स में हमने देखा था ना, तीन कैटेगरी बनी थी। एक थी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, वो इसने मुनेरा में डाला। एक था यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, वो इसने किंगडम प्रोटिस्टा में डाला। और जो तीसरी कैटेगरी थी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक वाली, अब वो जरा ज्यादा होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, काफी सारे सेल्स होते हैं उनके पास, और सेल्स भी कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक। अब वो तो दुनिया में बहुत सारे हैं ना, वो तो फंगस भी है, प्लांट भी है, एनिमल्स भी है, मल्टीसेलुलर एल्गीज भी हैं। तो चूंकि उनकी तादाद ज्यादा है, लिहाजा उनको इसने इन तीन किंगडम्स में न्यूट्रिशन के अतबार से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो किंगडम फंजाई में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ही हैं, बट कौन से वाले? मूड ऑफ न्यूट्रिशन देखिएगा, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, यानी के फंगस। एग्जाम्पल में आपको फंगस ही कहा था, फंगस यहां का है, क्योंकि फंगस मल्टीसेलुलर होता है, फंगस के पास यूकैरियोटिक सेल होता है, फंगस एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होता है। इसी तरह किंगडम प्लांटी में उसने वही मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक डाले, बट कौन से वाले? जिसका मूड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप था। ठीक है, यहां पर प्लांट्स भी आ गए, और जो मल्टीसेलुलर एल्गीज थी वो भी इसी किंगडम में आ गई, क्योंकि वो मल्टीसेलुलर थी। देख लें करेक्टर, देख लें किंगडम प्लांटी का पहला करेक्टर मल्टीसेलुलर है, फिर वो एल्गीज जो है वो ऑटोट्रॉप होते हैं, लिहाजा वो यहां पर ही सूट हो रहा है। तो जो मल्टीसेलुलर एल्गीज थी वो भी किंगडम प्लांटी में ही क्लासिफाई हो गई। और जो आखिरी किंगडम था, किंगडम एनिमेलिया, अब इसमें इसने मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक के किन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया? जो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप होते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, दुनिया में तमाम किस्म के एनिमल्स जो हैं वो मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं और इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप हैं, तो वो आखिरी किंगडम में आ गए। तो कितनी सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन थी रॉबर्ट विटिकर की। पहले उसने देखा कितने किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, सेल के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, मूड ऑफ न्यूट्रिशन के तबार से। सो उसने क्या पाया? सेल के हिसाब से तीन किस्म के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। और न्यूट्रिशन के तबार से इसने पाया तीन किस्म के, ऑटोट्रॉप, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप और इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप। अब जब इसने किंगडम में क्लासिफाई किया तो इसने देखा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जो है वो तो बहुत कम है, बैक्टीरिया, सियनोबैक्टीरिया, तो इसलिए उसका एक किंगडम बना दिया। इसी तरह जो दूसरी कैटेगरी थी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, वो भी बहुत कम है, प्रोटोजोअन्स और यूनिसेलुलर एल्गी, लिहाजा उसका भी एक अलग किंगडम बना दिया। लेकिन जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक थी उसमें काफी वैरायटी है। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जो है उनमें न्यूट्रिशन के अतबार से फिर इसने तीन अलग अलग किंगडम्स बना दिए। एक बना दिया एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप का, एक बना दिया ऑटोट्रॉप का, एक बना दिया इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप का। सो दैट इज द रॉबर्ट विटेकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। काफी जबरदस्त रही ये किंगडम क्लासिफिकेशन, काफी अरसे तक ये किंगडम क्लासिफिकेशन जो है बायोलॉजी में बड़ी मशहूर रही, एतराज भी नहीं लोगों ने उठाया इस पर, बट आगे जाके इस किंगडम्स पर भी कुछ लोगों ने एतराजात किए थे, बट वो एतराजात फिर किसी क्लास में आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आज की क्लास का यही टॉपिक था, रॉबर्ट विटिकर के जो फाइव किंगडम्स थे उन्हें हमें डिस्कस करना था। तो ये वो फाइव किंगडम्स थे, किस तरह रॉबर्ट विटिकर ने इन फाइव किंगडम्स को बनाया, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को किस किस किंगडम में इसने क्लासिफाई किया, ये आज के लेक्चर में आपने देखा।
अब बात करते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज पर। सो बच्चों, आज के लेक्चर से रिलेटेड पहला एमसीक्यूज है सेलेक्ट द मिस मैच। जो मैच गलत मैच हुआ है ना, उसको आपने सेलेक्ट करना है। ये चार मैचिंग आपको दी हुई है, ए बी सी डी, इनमें से किसी एक में गलत मैचिंग हुई भी है। तो लेट्स सी, ए में आपसे कह रहे हैं प्लांटी टेरिडोफाइटा। प्लांटी किंगडम का नाम है और टेरिडोफाइटा प्लांट्स होते हैं। बिल्कुल सही मैच हुआ हुआ है, जो टेरिडोफाइटा है प्लांट्स हैं और किंगडम प्लांटी में ही होते हैं। बी देखें, फंजाई म्यूकर, फंजाई किंगडम का नाम है और म्यूकर एक फंगस, एक किस्म का फंगस होता है, तो इसको भी सही किंगडम में डाला हुआ है। सी में देखें आप पैरामेशियम प्रोटिस्टा, पैरामेशियम एक प्रोटोजोआ होता है एमीबा की तरह का, तो वो सही किंगडम में डाला हुआ है प्रोटिस्टा में। बट चौथे को देखें आप एमीबा एनिमेलिया। अब एमीबा जो है वो किंगडम एनिमेलिया का नहीं है, एमीबा दूसरे किंगडम का है, किंगडम प्रोटिस्टा का। इसको यहाँ एनिमेलिया में गलत क्लासिफाई किया हुआ है, तो मिसमैच कौन सा हुआ हुआ है, ऑप्शन डी एनिमेलिया एमीबा। सेकेंड एमसीक्यूज, मेंबर ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड ऑल आर हेटरोट्रॉफ। वो कौन सा किंगडम है जिसके ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल तो होती है बट वो हेटरोट्रॉफ होते हैं। अब प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में सिर्फ एक ही किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स, उनमें सेल वॉल नहीं होता है, या वो आप कह लें प्रोटोजोअन्स, बस ये दो हैं, एक प्रोटोजोअन्स जिनमें सेल वॉल नहीं होती और एक एनिमल्स उनमें सेल वॉल नहीं होती, बाकी सब में फंगस में एल्गी में प्लांट्स में सेल वॉल होती है। तो मेंबर ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल, सेल वॉल है इसका मतलब फंगस प्लांट या एल्गी में से होगा। अब फंगस प्लांट और एल्गी में से, एल्गी और प्लांट ऑटोट्रॉफ है, फंगस हेटरोट्रॉफ है, तो कौन से हो गए जी किंगडम, किंगडम फंजाई, क्योंकि फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म है फंगस जो होते हैं उनके पास सेल वॉल तो होती है बट वो हेटरोट्रॉफ होते हैं। ये चार ऑप्शन है जी, और इसमें करेक्ट आंसर है डी फंजाई। नेक्स्ट एमसीक्यूज, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक विच फीड बाय अ वैरायटी ऑफ मेथड। किस किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मौजूद है। अब हमने अभी पढ़ा, रॉबर्ट विटिगर ने देखा था दो किस्म के यूनिसेलुलर थे, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे वो थे किंगडम मुनेरा में, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे वो थे किंगडम प्रोटिस्टा में। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आपको कहाँ मिलेगा, प्रोटिस्टा के अंदर मिलेगा, और उनको हम जो प्रोटिस्टा में होते हैं ना उनको हम प्रोटिस्ट कहते हैं। तो ये एक ही बात है, प्रोटिस्टा लिखा हुआ हो या प्रोटिस्ट लिखा हो। ऑल प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड टू गैदर इन किंगडम। दुनिया के तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको आपने किस किंगडम में क्लासीफाई किया है। सो रॉबर्ट विटेकर ने दुनिया के तमाम प्रोकैरियोटिक के लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया था, किंगडम मुनेरा। आज के लेक्चर में हमने देखा, सो इस तमाम प्रोकैरियोटिक किस किंगडम में मिलेंगे आपको, ऑप्शन बी किंगडम मुनेरा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच किंगडम हैव ऑल डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड। किस किंगडम में ना बहुत सारे डाइवर्स किस्म के यानी कई किस्म के ऑर्गेनिज्म है, यानी अभी वहां पर भी आपस के जो ऑर्गेनिज्म है ना उनमें फर्क है। यहाँ चार ऑप्शन है जी, प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोकैरियोट या नन ऑफ दिस। देखिए किंगडम प्रोकैरियोट तो इतना डाइवर्स नहीं है क्योंकि उसके सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। किंगडम प्लांट भी इतना कोई डाइवर्स नहीं है, मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, सेल वॉल होती है, ऑटोट्रॉप होते हैं। बट ये जो प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा जो दूसरा किंगडम था यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है, अब इस किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं, लेकिन इन दो करेक्टर्स के अलावा इन ऑर्गेनिज्म में काफी फर्क है। अब एल्गी और प्रोटोजोअन, इन दो की एग्जाम्पल्स रखी ना हमने किंगडम प्रोटिस्टा में, क्योंकि एल्गी और यूनिसेलुलर एल्गी और जो प्रोटोजोआ थे उनमें यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोटिक सेल था, लिहाजा उनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में डाला। लेकिन अगर आप इन एल्गीज और प्रोटोजोआ को देखें तो डाइवर्स हैं। एल्गीज में सेल वॉल होती है, प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होती। एल्गीज ऑटोट्रॉप हैं, प्रोटोजोअन्स हेटरोट्रॉप हैं। तो इस किंगडम में अब भी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। सो किंगडम प्रोटिस्टा होता है जिसमें आपने क्लासिफाई तो कर दिया ऑर्गेनिज्म को, बट स्टिल अब भी इस किंगडम के अंदर डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनके सॉल्यूशंस पर।
तो स्टूडेंट सेक्शन बी में इस लेक्चर से पहला सवाल जो आता है वो है राइट डिफरेंस बिटवीन किंगडम मुनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। इस रॉबर्ट विटिकर के शुरू के दो किंगडम थे मुनेरा और प्रोटिस्टा, इनमें आपको डिफरेंस लिखना है। बड़ा सिंपल है जी, दोनों ऑर्गेनिज दोनों किंगडम के अंदर एक तो सीधा सा फर्क है जी इनके अंदर सेल का। मुनेरा में जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक है और प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक है। लेट मी हाईलाइट दिस। देखें मुनेरा में जिसमें बैक्टीरिया था, देखें एग्जांपल भी हमने लिखी हुई बैक्टीरिया सियानोबैक्टीरिया, और प्रोटिस्टा में हमने क्या एग्जांपल लिखी एल्गी और प्रोटोजोआ। अब मुनेरा में सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं जबकि प्रोटिस्टा में सारे ऑर्गेनिजम्स के पास यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। फिर अब ये जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट है, रिमेम्बर जब ये मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था इनमें और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक और बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना उनमें फिर जो बड़े बड़े सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सारे बड़े बड़े ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्जी बॉडीज वो होते हैं। तो यही हमने एक दूसरा डिफरेंस बना दिया कि जी सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। मुनेरा के सेल्स बड़े सिंपल होते हैं जबकि प्रोटिस्टा के सेल्स को आप देखें तो चूंकि बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद हैं तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का काफी जिक्र हो रहा है तो बैक्टीरिया ही री डायग्राम बनाने को कहा जा रहा है। तो दैट इज द बैक्टीरियाज डायग्राम। आपकी ये टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, मेरे हिसाब से तो टेक्स्ट बुक की डायग्राम काफी सिंपल है। साफ सुथरी ओवल शेप का बनाए और उसमें ये तमाम स्ट्रक्चर्स प्लस इनकी ये लेबलिंग का ख्याल रख गए। ये जो आपको अंदर से एक ये क्वाइल तरह का नज़र आ रहा है ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए कहलाता है। उसके अलावा इस डीएनए के पास आप देखें रिंग शेप का आपको नज़र आ रहा है ये प्लास्मिड डीएनए कहलाता है। उसके अलावा ये आपको पूरे इस बैक्टीरिया में से छोटी छोटी सी आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं ये देखें ये रहा, इनको हम पाइलस कहते हैं। उसके बाद ये लंबे से जो आपको बाल की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं दो यहाँ पर बनाए हुए हैं, इनको हम एक की बात करें तो फ्लैजीला, प्लूलर की बात करें तो फ्लैजीला। उसके अलावा इस बैक्टीरिया की अगर हम इस सेल को देखें तो सबसे पहले बिल्कुल बाहर की तरफ ये कैप्सूल से कवर हुआ हुआ होता है, बिल्कुल आउटर लेयर जो है ना ये जो ब्लैक कलर में बनी हुई है ये है जी कैप्सूल। फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर आती है, जो दूसरी लेयर आप देखने नजर आ रही होगी, सेल वॉल होती है, ठीक है। और फिर जो अंदर की लेयर होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। बाकी ये जो छोटे छोटे से आपको नुक्ते से नजर आ रहे हैं ये ऑर्गेनल होते हैं जी, इसको हम कहते हैं राइबोसोम। ये ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में ही मिलता है आपको। और ये मॉलिक्यूल्स हैं जी जो पैक हुए होते हैं, इनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। सो ये लेबलिंग्स आपको करनी होंगी इस डायग्राम में। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटी। अब आपको किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी में डिफरेंसेस लिखने। फंजाई प्लांटी, पहला डिफरेंस मूड ऑफ न्यूट्रिशन पे एक डिफरेंस बना लें, उसके अलावा सेल वॉल की कंपोजिशन पे डिफरेंस बना लें, ठीक है। तो देखें फंगस जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप होते हैं जबकि प्लांटी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं। अब ये ऑटोट्रॉप क्यों होते हैं, क्योंकि इनके सेल में एक ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होगा ऑटोट्रॉप हो जाओगे, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो हेटरोट्रॉप हो गए। तो ये बात हमने यहाँ लिख दी, दे आर क्लोरोफिलस, मतलब इनके पास क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, और दे आर ए क्लोरोफिलस, ए का मतलब होता है नहीं, दे आर ए क्लोरोफिलस मतलब इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। सेल वॉल दोनों के पास होती है, इनके पास भी देखें हैव सेल वॉल, इधर भी लिखा हुआ है हमने हैव सेल वॉल, बस उस सेल वॉल की कंपोजिशन में फर्क होता है। प्लांट का सेल वॉल बना हुआ होता है सेलुलोज से जबकि फंगस का सेल वॉल बना हुआ होता है चिटिन से। फिर इकोसिस्टम में आपके एनवायरमेंट में इनका जो किरदार होता है वो बता दिया आपने। आपके एनवायरमेंट आपके इकोसिस्टम में प्लांट प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स का मतलब जो खाना खुद तैयार कर रहे हैं, और फंगस आपके एनवायरमेंट में डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स का मतलब जो फूड को यानी खाने को अपने फूड को पहले सड़ा देते हैं, तोड़ देते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल आपने डाली फंगस में यीस्ट मशरूम, प्लांट्स में आपने एंजियोस्पर्म्स और गैम्बियोस्पर्म्स।
अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई एमीबा इज नॉट प्लेस इन एनिमल किंगडम। एमीबा को आपने या रॉबर्ट विटिकर ने किंगडम एनिमेलिया में क्यों नहीं डाला? हालांकि एमीबा के पास सेल वॉल नहीं होती, किंगडम एनिमल्स जो होते हैं, किंगडम एनिमेलिया के जो एनिमल्स हैं उनके पास भी सेल वॉल नहीं है। ये भी हेटरोट्रॉप होता है, वो भी हेटरोट्रॉप है। तो जब ये दो करेक्टर सिमिलर हैं, एमीबा एनिमल्स की तरह हेटरोट्रॉप है, एनिमल्स की तरह उसमें सेल वॉल नहीं है, तो फिर हमने उसको क्यों किंगडम एनिमेलिया में प्लेस नहीं किया? बड़ा सिंपल सा फर्क है जी, मल्टी सेलुलर यूनि सेलुलर। किंगडम एनिमेलिया की, किंगडम एनिमल की या एनिमेलिया की तीन कंडीशन है। एक हेटरोट्रॉप होना चाहिए, दूसरा मल्टी सेलुलर होना चाहिए, तीसरा यूकैरियोटिक होना चाहिए। एमीबा हेटरोट्रॉप जरूर है, यूकैरियोटिक भी जरूर है, बट यूनिसेलुलर है, और उस एतबार से यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का तो किंगडम प्रोटिस्टा बनता है। तो चूंकि ऑल एनिमल किंगडम में इंक्लूड हुए हैं सारे हायर ऑर्गेनिजम्स, कौन से हायर, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि एमीबा कौन सा है, यूनिसेलुलर है। तो दैट इज वाई आपने एमीबा को किंगडम एनिमेलिया में नहीं प्लेस किया। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई सियानोबैक्टीरिया आर प्लेस इन मुनेरा। सियानोबैक्टीरिया को हमने मुनेरा में क्यों डाला है? बड़ा सिंपल सा फर्क है, मुनेरा किंगडम में हम उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और अगर हम सियानोबैक्टीरिया को देखें तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। तो जाहिर है प्रोकैरियोटिक सेल का तो बस एक ही किंगडम है, किंगडम मुनेरा, और इसके पास चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो हम इसको वहीं तो प्लेस करेंगे। यही रीजन हमने यहाँ लिख दिया कि किंगडम मुनेरा इज द ओनली किंगडम विच हाउस ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किंगडम मुनेरा वाहिद किंगडम है जहां सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। सियानोबैक्टीरिया, जिसको हम आम तौर पर ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता इसके सेल में। ये क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, और किस किंगडम में जाएगा, ये फिर मुनेरा किंगडम में जाएगा। अब आते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन सी का, जो डिटेल क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सोल्यूशन की तरफ। तो बच्चों, इस लेक्चर से एक डिटेल क्वेश्चन आता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विटिकर। रॉबर्ट विटिकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी उसको डिफाइन करना है। तो ये हमने उसको डिफाइन कर दिया। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया जी, 1969 में रॉबर्ट विटिकर ने 5 किंगडम सजेस्ट किए। कौन कौन से? मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटी, एनिमेलिया। और ये हमने उनके आगे करेक्टर्स बता दिए, मुनेरा में ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, साथ साथ एग्जाम्पल्स भी देनी है। तो मुनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक हैं, कौन कौन? बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं, कौन कौन से? यूनिसेलुलर एल्गी और प्रोटोजोअन। फंजाय में सारे मल्टीसेलुलर हैं, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, एक फंगस ना दुनिया में ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर होता है, यीस्ट, वो भी यही होगा। यूकैरियोटिक होते हैं, और कौन से वाले हेटरोट्रॉप होते हैं? एब्सॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप। इसका फर्दर, क्योंकि इसकी सेल वॉल का भी तो एक अच्छा करेक्टर है ना, तो आपने वो भी बता दिया कि इसके पास सेल वॉल तो होती है लेकिन चिटिन की बनी हुई होती है। ये फंगस सेल्यूलोज वर्ड होगा, सेल्यूलोज नहीं है, ये फंगस सेल्यूलोज वर्ड है। ठीक है, दे हैव सेल वॉल ऑफ चिटिन एंड फंगस सेल्यूलोज। इनकी बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है, विच इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने मशरूम बता दिया। प्लांटी में आपने बताया जी, ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोट्रॉप या फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके पास सेल वॉल होती है लेकिन किससे बनी हुई? सेल्यूलोज से बनी हुई। और एग्जाम्पल्स आपने दी, इसमें मल्टी सेलुलर एल्गीज हैं और सारे किस्म के पौधे, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हों, टेरिडोफाइट्स हों, एंजियोस्पर्म्स हों, गैमनोस्पर्म्स हों, ये सारे प्लांट्स की कैटेगरी होती है। किंगडम एनिमेलिया आपने एक्सप्लेन किया, ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं, कौन से वाले हेटरोट्रॉप हैं? इनजस्टिव हेटरोट्रॉप, दे हैव नो सेल वॉल। इनके अंदर जो एनिमल्स की दो बड़ी कैटेगरीज होती हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, दोनों इसी किंगडम में आते हैं। सो ये है जी वो सवाल। अच्छा, इसका एक चार्ट भी बनता है, सिर्फ ये नहीं लिख देंगे हम इतना सा ये 5 किंगडम, इसका एक चार्ट भी बनता है जी, ये चार्ट। तो ये चार्ट आपकी बुक में मौजूद है, इस चार्ट को देख लीजिएगा। 5 किंगडम्स आ रहे हैं, ये रहा किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा,
या आ गया किंगडम फंजाई, या आ गया किंगडम प्लांटी, या आ गया किंगडम एनिमेलिया। इनके साथ आपने इनकी एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं, ये देख लें, मुनेरा की एग्जाम्पल, ये हो गई प्रोटिस्टा की, ये फंजाई की एग्जाम्पल हो गई, ये प्लांटी की, और ये इनवर्टिकेट की, ठीक है। और ये आपने वो माजरा बताया हुआ है कि आपके रॉबर्ट विटिकर ने इनको किन बेसिस पर इन किंगडम्स को डिवाइड किया था। सो ये चार्ट भी आपने सवाल के साथ इंक्लूड करना होगा। सो दैट इज आर टूडे क्लास। आज की क्लास में हमने रॉबर्ट विटिकर के 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन को स्टडी किया, देखा उसने कौन कौन से किंगडम्स और किन बेसिस पर ये किंगडम्स बनाए थे। साथ साथ आज के लेक्चर से रिलेटेड MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।